चैनल नॉलेज सामान्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। किस मुगल शासक का दो बार राज्याभिषेक हुआ? आंसर बी औरंगजेब। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर डी सासाराम। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? आंसर डी जहांगीर के। किस राजपूत ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? आंसर डी सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आंसर ए औरंगजेब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? आंसर बी 1576 ई में। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? आंसर सी शेरशाह। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आंसर ए दिल्ली में। किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया? आंसर ए हुमायूं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर डी औरंगाबाद में। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आंसर ए आगरा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? आंसर सी शेरशाह ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर बी शाहजहां। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? आंसर ए गुलबदन बेगम। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? आंसर ए मंसूर। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? आंसर ए औरंगजेब। गुलबदन बेगम पुत्री थी? आंसर बी बाबर की। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? आंसर बी शाहजहां। साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ? आंसर सी 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? आंसर डी 1921 में। मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आंसर बी सरकार। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? आंसर डी ग्वालियर में। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? आंसर डी औरंगजेब। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? आंसर बी पंचमहल। सूफी सिलसिला मुख्यतः संबंधित है? आंसर सी इस्लाम। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? आंसर बी सूफी आंदोलन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? आंसर ए पृथ्वीराज चौहान। बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? आंसर ए पाली। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? आंसर डी अशोक।
सांची क्यों विख्यात है? आंसर ए सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। जातक किसका ग्रंथ है? आंसर सी बौद्ध। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? आंसर ए घोड़ा। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? आंसर सी गौतम बुद्ध को। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? आंसर डी 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? आंसर सी अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? आंसर बी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर ए कुंड ग्राम में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? आंसर सी राजगृह। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर सी 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? आंसर बी विक्रमशिला। भारत में सबसे प्राचीन विहार है? आंसर डी नालंदा। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर डी एकेश्वरवाद। जैन साहित्य को कहा जाता है? आंसर बी आगम। चाणक्य का अन्य नाम था? आंसर बी विष्णुगुप्त। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? आंसर सी चाणक्य। निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आंसर ए अजातशत्रु। निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर ए कुलान। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आंसर ए मौर्य। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? आंसर ए ग्रीको द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? आंसर डी बम्बई। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? आंसर सी दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? आंसर सी लॉर्ड डफरिन। भारतीय सिविल सेवाओं में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? आंसर डी सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? आंसर सी दादा भाई नौरोजी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? आंसर सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? आंसर 1885 में। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था?
आंसर ए लॉर्ड कार्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। आंसर डी हरदयाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? आंसर डी बाल गंगाधर तिलक। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? आंसर ए 1909। भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? आंसर सी बाल गंगाधर तिलक। 1916 ई में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? आंसर सी एनी बेसेंट। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? आंसर बी लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? आंसर डी बाल गंगाधर तिलक। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर सी अरविंद घोष। बिहार बंगाल से अलग हुआ? आंसर बी 1912 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर डी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? आंसर बी बदरुद्दीन तैयब जी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था? आंसर सी मणिकर्णिका। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर सी लखनऊ। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? आंसर बी गुरु राम सिंह। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? आंसर डी एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? आंसर डी सत्यशोधक समाज। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? आंसर सी लॉर्ड रिपन। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? आंसर सी अकबर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आंसर ए ईंट से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आंसर डी 1921 ई। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आंसर ए टेराकोटा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? आंसर बी हड़प्पा। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? आंसर ए रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था? आंसर सी हेक्टर मुनरो ने। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? आंसर ए बेंटिक। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? आंसर बी मराठों ने। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? आंसर डी श्रीरंगपट्टनम। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया?
आंसर सी गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? आंसर बी गुरु अर्जुन देव ने। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? आंसर बी 1799 ई। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? आंसर सी सिराजुद्दौला। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आंसर सी आर्थिक। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? आंसर बी जॉर्ज क्लार्क। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? आंसर डी लाहौर। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? आंसर ए लॉर्ड डलहौजी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? आंसर सी जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? आंसर ए बंबई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? आंसर सी लॉर्ड मेयो के। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे जाता है? आंसर ए चार्ल्स ग्रांट। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? आंसर ए ब्राह्म समाज। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आंसर बी धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा जनरल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।